बलरामपुर विकास खंड हरैया सतघरवा में स्थित विद्युत उपकेंद्र बेलभरिया के अंतर्गत कटकुइया गांव के पास 11 केवी लाइन का तार टूटने से एक बालिका बुरी तरह से झुलस गई है, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय बलरामपुर में चल रहा है। पूरा मामला आपको बताते चलें। कटकुइया गांव निवासी सलीम ने बताया कि उनकी पुत्री मैशर 10 वर्ष मंगलवार सुबह करीब 7 बजे घर से खाना लेकर पशुशाला जा रही थी। रास्ते में 11 केवी हाई टेंशन मुख्य लाइन का तार टूटकर पड़ा हुआ था। इसकी चपेट में आने से वह बुरी तरह से झुलस गई। ये घटना से आसपास अफरा तफरी मच गई। लोग जेई हरिओम प्रसाद को फोन लगाए, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ तो लोग घबरा उठे कि कहीं और कोई बड़ी घटना घटित ना हो जाए। दर्जन भर लोग फोन से जेई लाइनमैन को मिलाते रहे। घंटों बाद लाइनमैन का फोन रिसीव हुआ तो घटना के बारे में जानकारी दी। तब बिजली सप्लाई बंद हुआ। ग्रामीणों ने लड़की को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरी ले जाया गया, जहाँ हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। क्या नाम है? क्या नाम है? सलीम। कहाँ रहते हो? कटकुइया। क्या मामला है? सवेरे मेरी बिटिया खाना लेके हमें कत्ती गए रही और वहाँ तार गिरा था, उसी में वो जल गई। तार कहाँ गिरा था? वो साहबक खाले में सड़की। अच्छा, अगल बगल किसका खेत है यहाँ तार गिरा था? जोको पासी के है और नाव के है, हिंदुया नाव के। फिर दवा कराने कहाँ ले गए? सुपुरा। फिर क्या हुआ? सुपुरा जवाब दे दी। फिर कहाँ ले गए? बलरामपुर। फिर बलरामपुर कहाँ दिखाए? बलरामपुर दो जगह दिखाए। तो वहाँ क्या बताए? वहाँ जवाब दे दी कि लखनऊ ले जाओ। जरीना। कहाँ रहती हैं? कटकुइया। ये जो करंट लगा है ये आपकी कौन है? बेटी। कैसे करंट लगा? बेटी हमार खाना ले जात रही। अच्छा। और खम्भा पैसे तार गिरा और सड़क पे पड़ा था तो वहाँ पड़ा रहा, बेटी हमार ना देख पाई, पहुँची बस लपेट ली। कहाँ जा रही थी लड़की आप? खाना दिए अपने बप्पा को। अच्छा, तो ये घर से कितनी दूरी पे है जहाँ पिताजी रहते हैं? थोड़ा ही दूर है, लेकिन हमारे सबके घर यहाँ कहीं दूर है। अच्छा। वो दूर है, घर बनाए तो हुए लिए जाता ही दिए। बिटिया कितने साल की है? 11 साल। 12 साल। तो जब करंट लग गया तो फिर क्या किया आप लोग? लेके गए दवाई करा। कहाँ ले गए? सिरसिया सिपुरा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।